दोस्तों, हम सब बहुत हताश हो गए थे। लग रहा था जैसे कि देश खत्म हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन एक आशा की किरण जगी है। आज का एक वीडियो ऐसा वीडियो आया है, ऐसा दिलचस्प वीडियो है, और ऐसे महान लोगों के कारण ही आपका सनातन धर्म और दुनिया में मानवता बची हुई है। हम सब एक तरफ से साधु महात्माओं को बड़ा बुरा कहते हैं, ऐसा नहीं है। आज से पहले मुझे लग रहा था कि सारे साधु महात्मा ऐसे ही होंगे, और नित्यानंद की तरह, नरसिंहानंद की तरह, और ये जितने भी पाखंडी हैं जो हरिद्वार में जो इन्होंने धर्म संसद लाया और हंगामा किया, और ये अन्नपूर्णा साध्वी की तरह, और ये शकुन पांडे की तरह, ऐसा नहीं है। रायपुर के धर्म संसद में एक कालीचरण जैसे लोग ने, उनको साधु मैं नहीं कहूंगा, उनको हम क्या कह सकते हैं, नाथूराम गोडसे के सपोर्टर और उसके गैंग के लोग को क्या कहेंगे। नाथूराम गोडसे कौन था? देश का पहला आतंकवादी। तो देश के पहला आतंकवादी को समर्थन करने वाला कौन होगा? आतंकवादी के साथ कौन रहता है? अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो आतंकवादी को साथ देने वाला तो कालीचरण महात्मा गांधी को गाली दे रहा था धर्म संसद के अंदर। और वीडियो की पाबंदी होती है, मेरा वीडियो को यूट्यूब रोक देता है कई बार, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा देर तक नहीं लगाऊंगा। सोशल मीडिया से आप सर्च करके देख लेना। उसने धर्म संसद के अंदर गाली दिया महात्मा गांधी को, और क्या अनाप शनाप बोला। उसकी प्रतिक्रिया में ये देखिए, ये महापुरुष, असली साधु, असली महात्मा, जिन्होंने क्या कहा है, और धर्म संसद छोड़ के चले गए। बोले ऐसे ऐसा धर्म संसद नहीं होता है, ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। सुनिए क्या कहा है। कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के गया गया, कहां के यहां से चले गए। अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे क्या? महात्मा गांधी सही में गद्दार थे क्या? महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से। और थाली ताली रूप से खूब बजी थी। सर 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। एक वीडियो और मिला है जिसमें नरसिंहानंद, वही त्यागी, हरिद्वार वाला, क्या बोल रहा है ये देखिए। मैं गॉडसे जी को मानता हूं, गॉडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूं, उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। गॉडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गॉडसे जी ने हमारे लिए जान दी है, तो गॉडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था, गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी कैसे बोल रहा है गांधी के बारे में? क्या ये महात्मा है? नहीं है। इसको कुछ और लोगों ने पाल के रखा है, जैसे होता है ना, राजा पाल के रखते थे, उस तरह से पाल के रखा गया है। और ये गोडसे का समर्थक, गोडसे के साथ काम करने वाला, देश के पहले आतंकवादी के साथ काम करने वाला, उसको क्या बोलेंगे आप? तो एक खुशी की बात यह है कि हमारे देश में अभी भी इंसान जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। मैं कह रहा था बार बार आपको, बहुत दिनों से मैं कह रहा हूं, तो आप लोग मजाक में ले रहे थे। आपकी संख्या 85% है और आप बटे हुए हो, तो अब आज के इस वीडियो के बाद बटना मत। क्या फायदा? मैं सोया हुआ हूं, नींद में आराम से सो जाता। मैं अभी इस समय रात्रि में वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। देश जाग रहा है, धीरे धीरे देश जाग रहा है। आप सो मत, जागो, देखो कि हमारे देश में क्या चल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जिसे देखो उसको
चमकना है, आगे बढ़ना है, मालिक को खुश करना है। मालिक को खुश करने से राज्यसभा का सीट मिल जाएगा, चुनाव आ रहा है तो चुनाव में टिकट भी ऐसे ही लोगों को मिलता है। मालिक को खुश करने के बाद कोर्ट में बुलाएगा तो नहीं जी हम नहीं जा सकते, बीमार है, वरना नाच भी करती है, क्रिकेट भी खेलती है, साध्वी प्रज्ञा आपने देखा। और बाकी साक्षी महाराज जी जैसे लोग कैसे बोलते हैं, किस तरह की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट मिलता है। और रामदेव जैसे लोग, झूठा, लोगों को गुमराह करने वाला, रविशंकर जैसे लोग, रविशंकर महाराज की बात कर रहा हूं, पंडित रविशंकर जो 40 का डॉलर करवा रहे थे, ये लोग व्यवसायी है, व्यवसायी, ये लोग धर्म का धंधा करते हैं, ये लोग मानवता के नाम पर कलंक है, सनातन धर्म को बर्बाद किया है। और पूरे विश्व में भारत की बदनामी इतनी ज्यादा हुई है अभी 2-3 दिनों में, वो तो पूछो ही मत। आप क्या समझते हैं, आप में से कई लोग विदेश जाएंगे और क्रिश्चियन कंट्री में जाएंगे, वहां आपकी क्या इज्जत होगी, आपको पता भी है? कहेगा ये वहीं से आया है, और हो ना हो ये भी शामिल रहा हो और ये भी उसी का समर्थन हो, कौन विश्वास करेगा आपके अंदर? आपके अंदर कुछ तो है ना ऐसा मशीन जिसको लगा के बोलेगा नहीं नहीं ये तो बड़ा ईमानदार था, ये सही आदमी था? नहीं, वो सबको एक तरह से देखेंगे। इंडियन मतलब वही जिसने मूर्ति को खंडित किया, जिसने अम्बाला में जो कांड किया, जीसस के साथ किया, जीसस ने मानवता के रक्षा के लिए क्रूस पे चढ़ गए, उन्होंने कुर्बानी दी, और आज इतने साल बाद भी, 2022 साल बाद भी उनके साथ फिर से वही हो रहा है, आप सोच सकते हैं? तो कैसे लोग हैं इस दुनिया में, क्या चल रहा है, इन सब को चाहिए इमीडिएट पकड़ के, जैसे गोडसे के साथ किया गया था वही करने की जरूरत है। ये जो जितने भी घूम रहे हैं खुले सांड की तरह जो घूम रहे हैं, इन सांडों को पकड़ के बंद करने की जरूरत है। और इनके दिन पूरे हो गए, ये फरफरा रहे हैं ज्यादा, और जब भी कोई फरफराता है बूझते हुए दिए की लौ की तरह, इनका वही हाल होगा जो राम रहीम का हुआ, आसाराम बापू का हुआ, इनकी जगह वही है। और इन सब का सबूत होगा, वो नरसिंहानंद इसलिए नहीं चिल्ला रहा है, नरसिंहानंद क्यों है कि उसके पास कोई बहुत बड़ा सबूत है जिसके कारण वो इस तरह की बातें कर रहा है। वो एक दिन सीडी की भी बात कर रहा था, वो भाजपा की महिलाओं के ऊपर, इतने अच्छे अच्छे महिलाएं वहां पर है, नेता एमपी है, सांसद एमएलए है, और नेत्री इतने बड़े बड़े लोग हैं, उसमें कुछ एक दो हो सकता है खराब, लेकिन सबको एक तरह से लपेट दिया उसने। महिलाओं के लिए क्या अभद्र टिप्पणी किया था आपको पता ही है, फिर भी भाजपा वाले चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो कुछ है उसके पास सबूत जिसके कारण वो इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन सबूत से क्या होगा, चुप रहने से और बदनामी बढ़ रही है और देश का नाम खराब हो रहा है। इनको उठा के अंदर डालो और बंद करो, दूसरा कोई तरीका नहीं है, देश तभी बचेगा और वोट भी तभी मिलेगा। पर ना जितना ये लोग हंगामा कर रहा है उससे फायदा हो रहा है किसको, आपको जो चाहते हैं कि भाजपा से छुटकारा मिले, उनको फायदा हो रहा है। ये हर बार इनके एक एक कदम से लाख लाख वोट बर्बाद हो रहा है। अब पहले हमने कहा था ना कि एक अंधभक्त 10 वोट बर्बाद करता है, अब वो नहीं रहा, ये महात्मा करोड़ों में वोट बर्बाद कर रहे हैं। और बीजेपी को वोट ही मिला था 22 करोड़ लहर में, तो ये क्या जिताने की बात कर रहे हैं, ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, भाजपा के दुश्मन है ये और भाजपा को खत्म कर रहे हैं, उससे आपको लाभ मिल रहा है। ये जितना गालियां निकाल रहे हैं, जिस तरह के बिहेव कर रहे हैं, महात्मा गांधी को जितना गाली देते हैं उससे, उसमें एक गाली में 1 करोड़ से कर दो, गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इतने वोट बर्बाद कर रहे हैं। यह आपके हक की बात है, लेकिन हम इस महात्मा जी को, रायपुर वाले को, मैं उनके पांव में पड़ के आशीर्वाद लेना चाहता हूं। महान है ऐसे लोग जो हमारे देश को बचाने के लिए हैं, अभी भी उनका जमीर जिंदा है और धर्म का असली परिभाषा जानते हैं। मैं यही कहने के लिए आया था, मैं सो रहा था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।